हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट रिव्यू। आज हम बात करेंगे फेशियल सीरम्स की, जिसमें हमारे पास मिनिमलिस्ट के हैं ये फेशियल सीरम्स। 5% नियासिनमाइड की मैंने बात कर ली है, इसका रिव्यू मैं दे चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अब इस वीडियो में मैं बात करूंगी मिनिमलिस्ट का 10% विटामिन सी प्लस AG1% फेशियल सीरम। विटामिन सी का मेन फंक्शन क्या होता है, ये हम सबको पता है कि वो स्किन को ब्राइट करता है, एल्यूमिनेटिंग ग्लोइंग बनाता है और जिस भी तरह की डलनेस होती है ना, वो उसे दूर करता है। इसीलिए नॉर्मली लोग घरों में ऐसे टोमेटो जो है वो स्लाइस कट करके ऐसे लगाते रहते हैं स्किन पे। क्यों? क्योंकि उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है और विटामिन सी स्किन लाइट करने में बहुत हेल्प करता है, लाइटनिंग करने में। तो इसलिए ये जो हमारे पास फेशियल सीरम है ना, क्योंकि अब हम डेली टोमेटो तो लगा नहीं सकते, तो हम लगाएंगे मिनिमलिस्ट का ये फेशियल सीरम 10% विटामिन सी के साथ। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो विटामिन सी है 10% कॉन्सेंट्रेशन का, यानी कि एथाइल अस्कॉर्बिक एसिड, जो कि सबसे स्टेबल विटामिन सी का फॉर्म है, जो कि यहाँ मिनिमलिस्ट में यूज़ किया है। और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सेंटेला एशियाटिका लीफ वाटर, जो सेंसिटिव जो लोग होते हैं ना उनकी स्किन को, जैसे बहुत लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उन्हें कुछ भी सूट नहीं करता, तो ये नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन को तो ये सूट करेगा ही करेगा। जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं ना, उनको भी सूट करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेंटेला वाटर है ना, सेंटेला लीफ का जो वाटर है, ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी है। उससे अलग इसमें है 30 इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, वही मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी जो है, और है इसमें इथॉक्सी डाइग्लाइकॉल, डाइमिथाइल आइसोसॉर्बाइड, ग्लिसरीन, सोडियम ग्लूकोनेट, एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, सोडियम हाइलुरोनेट और हाइड्रोक्सीथाइल सेल्यूलोज, जैंथेन गम, फिनॉक्सीथेनॉल, इथाइल हेक्साइल ग्लिसरीन, लेसिथिन एंड लैक्टिक एसिड। ये हो गए इसके इंग्रेडिएंट्स। अब हम बात करते हैं इसकी MRP की। MRP जो है वो है 699, यानी कि 700 में 1 रुपी कम, ऑलमोस्ट 700। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो ही 2 to 2.5 ईयर्स की होती है, जैसे कि ये 721 मैन्युफैक्चरिंग डेट है एंड 1222 एक्सपायरी डेट है इसकी। 2 से 2.5 साल बहुत होते हैं, इतने में आप यूज़ कर लेंगे। इसमें बाकी मिनिमलिस्ट के किसी भी प्रोडक्ट में नो फ्रेग्रेंस, नो सिलिकॉन्स, नो पैराबेंस, नो एसेंशियल ऑयल्स, नो डाइज एंड नो सल्फेट्स। इसकी क्वांटिटी है 30 ml फॉर 699 रुपीज़। इंग्रेडिएंट्स की हमने बात कर ली। इन्होंने जो अपना विटामिन सी का जो सोर्स है ना, वो यहाँ मेंशन किया है। विटामिन सी का जो सोर्स है वो है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से इन्होंने ड्राइव किया है, जिसका pH है 3.9 to 4.9। मिनिमलिस्ट ब्रांड की ये सबसे सबसे अच्छी बात होती है कि वो अपने इंग्रेडिएंट्स को और उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया है और कहाँ से लिया है, ये बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं रखते हैं। वो एकदम क्लियरली मेंशन रखते हैं ताकि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स बहुत बहुत रिलायबल हैं। और मैं ये बता दूं आपको कि ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है और मैं पहले प्रोडक्ट्स खुद यूज़ करती हूँ, मैं तभी रिव्यू करती हूँ। आज हम रिव्यू कर रहे हैं ये मिनिमलिस्ट का विटामिन सी 10%। अब हम इसे ओपन करके देखेंगे। ब्लैक कलर की ग्लास जा रही है विद ड्रॉपर, कार्टन नहीं है मेरे पास क्योंकि मैंने इसे पहले ख़रीदा था और मैं यूज़ कर रही थी। अब आप देखें इसका जो कलर है ना, ये कलर ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल क्लियर वाइट है, आप ध्यान से देखिए, ऑफ वाइट सा क्रीम कलर है, ये क्रीम कलर का है ये विटामिन सी। और ये ना बहुत थिन कंसिस्टेंसी, बिल्कुल वाटरी सा होता है ये, जैसे रोज़ वाटर होता है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही होता है ये। ना ही ये ऑयली है ज़्यादा, ना ही ये थिक है ज़्यादा। आपको इसे भी ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ 2 to 3 drops समर्स में लगाना है। विंटर्स में आप इसे 4 to 5 drops, 6 drops तक भी लगा सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं उनकी भी स्किन ऑयल ड्राई हो जाती है। तो अब हम इसे लगा के देखेंगे। मैं इसे अपने हाथ पे लगा के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये मैंने वन ड्रॉप लिया, ये 1 full drop है, ठीक है। फेशियल सीरम्स को हम अपने पूरे हाथ से मिक्स नहीं करते, हम उसे फिंगर से मिक्स करते हैं। ये 1 drop मैंने लिया है। ये देखिए इतनी थिन कंसिस्टेंसी है ना, खुद से फ्लो कर रहा है ये। नियासिनमाइड ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी का होता है और ये बिल्कुल थिन कंसिस्टेंसी का है। ये देखिए अब हम इसे मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा ये, बहुत इवनली स्प्रेड हो रहा है और बहुत जल्दी मर्ज भी हो जाएगा। और एक शाइनी और इवन लुक आता है ये लगाने के बाद। इसे लगाना कैसे है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग आप जैसे लगा सकते हैं वैसे लगाइए। सुबह में लगाइए, शाम में लगाइए, रात में लगाइए।
कहीं बाहर जाने के पहले लगाइए। मैं इसे इस तरह से लगाती हूँ कि मैंने सुबह फेस वॉश किया, मैं रात में नियासिनमाइड लगाती हूँ बिकॉज वो बहुत थिक होता है तो स्किन थोड़ी ऑयली हो जाती है तो मुझे सही नहीं लगता मॉर्निंग में लगाना बिकॉज स्किन पे वो हैवी हैवी सी फीलिंग आएगी। मॉर्निंग में मैं विटामिन सी लगाती हूँ। मैंने फेस वॉश किया विटामिन मिनिमलिस्ट के ही फेस वॉश से, मैंने फेस वॉश कर लिया। आप कोई सा भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद पैड ड्राई कर लिया। मैं कोई टोनिंग नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ क्लेंजिंग करती हूँ। उसके बाद डायरेक्टली ये जो मिनिमलिस्ट का सीरम है 2 to 3 drops अपने स्किन पे लगाती हूँ और उसे 1 finger से ऐसे राउंड एंड राउंड एंड राउंड मिक्स कर देती हूँ। बिल्कुल एंड तक मिक्स नहीं करती, मैं छोड़ देती हूँ ताकि वो खुद से एब्जॉर्ब हो। बहुत लोगों को 2 facial oil लगाने की आदत होती है। जैसे एक लोग, जैसे अगर किसी ने विटामिन सी का ये लगाया, मिनिमलिस्ट का विटामिन सी लगाया और अगर वो नियासिनमाइड लगाना चाहते हैं तो वो ये लगाने के बाद 10 टू 15 मिनट्स वेट करेंगे, फिर वो दूसरा कोई फेशियल ऑयल लगाएंगे या फेशियल सीरम लगाएंगे। बिल्कुल बैक टू बैक नहीं लगाना होता फेशियल सीरम्स और एक में मिक्स करके नहीं लगाना होता, 1 by 1 एक टाइम पीरियड के गैप के बाद फिर आप लगाएंगे। तो ये है मिनिमलिस्ट का विटामिन सी। अब हम इसके फ़ायदे जान लेते हैं। ये आपकी स्किन को बहुत 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 क्लियर करता है। मींस आपकी जो भी एक डलनेस है पूरी, एक जो सन टैन, जो सन डैमेज की वजह से होता है ना हमारी स्किन पे, कि बिल्कुल बेजान सी त्वचा हो जाती, बिल्कुल ये उसे क्लियर करके इवन करता है। स्किन टोन, जितने डार्क स्पॉट्स हैं वो रिड्यूस करेगा। विटामिन सी है तो ये आपको फेयरर स्किन देगा, इल्यूमिनेटिंग एक ग्लोइंग स्किन देगा। ये विटामिन सी एक बहुत बहुत अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट होता है तो एक जो एजिंग वाली चीज़ होती है वो भी कहीं ना कहीं कम होती है क्योंकि आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी अपेयर होती है। सन डैमेज रिमूव करके, बिल्कुल डलनेस वगैरह रिमूव करके, एक हाइड्रेशन के साथ बिना ऑयली किए आपकी स्किन को ये एक ग्लोइंग और इवन अपीयर कराता है ये। तो ये है विटामिन सी के फ़ायदे और आप इसे लगा सकते हैं। लगाने के आपको 3 to 4 days में ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये ब्रांड क्लेम करते हैं कि आप 2 weeks में आपको रिजल्ट मिलेंगे, बट रिजल्ट्स आपको पहले ही ऑब्जर्व हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने यूज़ किया है ये, तो मुझे 3-4 days में डे टाइम में, क्योंकि मैं लगाती हूँ तो मुझे समझ आने लगा कि सन डैमेज की वजह से जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स थी, स्किन की एक्ने की प्रॉब्लम्स हों या कहीं कहीं जो भी निशान वगैरह, वो सारी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बिल्कुल दूर हो गई, स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई है। कोई भी किसी भी तरह के लोग लगा सकते, किसी भी स्किन टाइप वाले, आई मीन टू से लाइक ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, इवन सेंसिटिव स्किन वाले भी लगा सकते हैं बिकॉज इसमें जो सेंटेला वाटर है वो सेंसिटिव स्किन वालों को बिल्कुल सूट करेगा। तो प्लीज़ आप एक बार इसे ट्राई करिए, मिनिमलिस्ट का विटामिन सी 10% प्लस AG 1% फेशियल सेरम। आप इसकी जो MRP है मैं बता चुकी हूँ, 799 है, यानी 700 है फॉर 30 ml। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ।